निमसेट के लिए तो मैं पहले ही अवेयर थी, बट मुझसे यही गलती हो गई कि मैं मतलब, बट मैंने सोचा कि अभी पहले मैं ट्राई करती हूँ कि जॉब के साथ में पढ़ाई करने की, धीरे धीरे करके मतलब पहले के टॉपिक्स भी कवर करने थे और अभी के भी करंट टॉपिक्स भी कवर करने थे, तो बस वही है कि इसमें बस कंसिस्टेंसी चाहिए और कुछ नहीं। एक और नई टॉपर से मिलते हैं, रूपसी से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 284 है, जो जमशेदपुर से हैं। तो रूपसी, सबसे पहले 284 रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं कि रूपसी का इंटरव्यू आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनके साथ की कुछ अलग अलग चीजें हैं। हर बच्चे की सक्सेस जर्नी अलग होती है। रूपसी ने 2.5 ईयर जॉब किया है, और जॉब करने के बाद ऐसा लगा कि इस जॉब से आगे बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिल सकती। जॉब क्विट करके निमसेट का प्रिपरेशन किया, और 3 साल पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ने के बाद भी कमबैक किया और 284 रैंक अचीव की, अपने आप में मायने रखता है। तो वंस अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो इंटायर जर्नी है, पहले तो ग्रेजुएशन के बाद आपने क्यों जॉब ज्वाइन किया, क्यों नहीं सोचा पीजी करने का, और फिर जॉब के बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे पीजी करना चाहिए, ये सब बताइए आप। यस सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी रैंक है मतलब सर के वजह से, मतलब भले ही मेरे 2.5 इयर्स का गैप हो गया था जॉब के वजह से, बट फिर भी मतलब सर के क्लासेस लेने के वजह से मतलब कुछ भी वैसा नहीं लगा कि मैं कुछ पीछे हूँ। वो धीरे धीरे करके सब कुछ सही होते गया। मतलब मैंने स्टार्टिंग में 2019 में पास आउट हुई हूँ, बीसीए किया मैंने बैंगलोर से। उसके बाद मतलब प्लेसमेंट्स हुई, मतलब कंपनीज में सेलेक्शन हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि मतलब ड्रॉप लेके पहले, मतलब उस समय ही मैं अवेयर हुई थी निमसेट से, बट मैंने सोचा कि शायद 1 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं ट्राई कर लूंगी निमसेट। बट उसके बाद फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। मैंने एलिजियन में ज्वाइन किया लाइक 2019 में एज अ डिजिटल सर्विसेज एनालिस्ट। उसके बाद मैंने वहाँ पे 2.5 साल जॉब करा। 2 साल के बाद मुझे लगा कि अभी शायद मुझे क्विट करके करना चाहिए, बट मैंने सोचा कि अभी पहले मैं ट्राई करती हूँ कि जॉब के साथ में पढ़ाई करने की। तो मैंने फिर से लास्ट ईयर सर के लेक्चर्स ही देखे थे, मतलब एटलीस्ट मैं 1 to 2 months मैंने पढ़ाई करी थी सर से, और उसमें मैं मतलब क्रैक तो नहीं कर पाई, बट मुझे 1700 रैंक आई थी। तो उसमें मुझे लगा कि शायद अगर मैं 1 साल और अच्छे से पढ़ लूंगी तो मुझे मतलब NIT मिल जाएगी। तो फिर मैंने उसी समय डिसाइड किया, मतलब रिजल्ट के बाद मैं काफ़ी मतलब लो फील कर रही थी कि नहीं हो पाया, तो भले ही मैंने पढ़ाई नहीं अच्छे से की थी बट फिर भी मुझे अच्छी फील नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने जॉब क्विट कर दिया, मतलब 2 महीने के नोटिस पीरियड के बाद मैं भोपाल आ गई। उसके बाद फिर मैंने सर से बात करी, सर ने बोला कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब जो रेगुलर क्लासेस थी वो सब स्टार्ट कर दी, मतलब बस फिर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते रहे, गाइड्स वगैरह। तो मतलब इतना टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं नवंबर में ज्वाइन की थी, तो धीरे धीरे करके मतलब पहले के टॉपिक्स भी कवर करने थे और अभी के भी करंट टॉपिक्स भी कवर करने थे। तो मतलब करंट टॉपिक्स के साथ साथ फिर धीरे धीरे जब भी टाइम मिलता था पहले के टॉपिक्स ही कवर हो पाते थे, गाइड तो नहीं हो पाती थी। फिर जो भी सर के DPTs TWPTs थी वो सब मैं अच्छे से कर लेती थी बस। बट बीच में ऐसा हुआ कि मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो मुझे घर जाना पड़ गया था। 1.5-2 महीने मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी उसमें से। बट उसके बाद वो 1.5 महीने के बाद मैं फिर से वापस आई थी मार्च में, वो मतलब थोड़ी और पढ़ाई करने के बाद मैं फिर से घर चले गई थी, क्योंकि सर देखते थे कि मैं मतलब मैं कोचिंग आ नहीं पाती, इरेगुलर हो गई थी काफ़ी, और मतलब हॉस्टल में रह कर भी पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिर सर ने मुझे सजेशन दिया कि मैं घर से ही पढ़ाई कर लूँ, तो फिर मैं घर गई और वहाँ से ही फिर मतलब जितना हो पाया मुझसे मैंने किया, और फिर मतलब एग्जाम देके फिर मतलब ये रैंक आई मुझे 284। देखिए, रूपसी ने अभी कुछ बातें बोली, एक तो बैंगलोर से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद प्लेसमेंट हो गया, और ऐसा होता है अक्सर कि ग्रेजुएशन के बाद कई बच्चों का प्लेसमेंट होता है, तो कईयों को लगता है चलो हम 1-1.5 साल जॉब कर लेते हैं, पर जॉब में उलझ के फिर ऐसा हो नहीं पाता कि हम आगे की स्टडी कर पाए। तो ऐसा रूपसी के साथ भी हुआ, और फिर इसने पहले फर्स्ट मतलब लास्ट ईयर तो खैर जॉब के साथ ही प्रिपरेशन की, पर जब 1700 रैंक आई जो कि अपने आप में मायने रखता, तो लगा कि नहीं निकाल सकती। बिल्कुल सही बात बोली, भोपाल आई इम्पिटस गुरुकुल के साथ। एक अच्छी बात है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉडल होने के वजह से बच्चों को दिक्कत नहीं आती, और बहुत कम समय में ये रैंक अचीव की। और खास बात यह कि बीच में 2-2.5 साल बिल्कुल भी टच में नहीं रही मैथ्स में। तो मैं आप सब बच्चों को ये बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो करना तो बिल्कुल कर सकते हो। और जॉब, अच्छा एक बात बताइए, आपने जॉब करते हुए क्या आपको ऐसा लगा कि ये जॉब कंटिन्यू करने की जगह मुझे पीजी करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ग्रेजुएशन के बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और कई बार उनको जब तक समझ में आता है बहुत लेट हो चुके होते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपको? मतलब निमसेट के लिए तो मैं पहले ही अवेयर थी, बट मुझसे यही गलती हो गई कि मैं मतलब
ये इसी में जैसे सर ने बोला कि थोड़ा उलझ गई थी कि एक साल चलो डेढ़ साल बाद, तो वो करते करते ढाई साल हो गए। मैंने ट्राई तो करी लास्ट ईयर बट हो नहीं पाया। बट मतलब बस यही है कि मतलब मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना था, सिर्फ वो चीज़ के वजह से मैं आई। अगर मतलब कोई पहले से ही अवेयर है कि उसको करना है तो वो चाहे तो पहले मतलब भले ही ड्रॉप लेके मतलब फाइनल ईयर के साथ साथ में ही कर ले, वरना बाद में भी कोई लेट नहीं होती है। मतलब मुझे भी अभी भी कोई ऐसा लेट नहीं लग रहा है कि मुझे तीन साल हो गए ग्रेजुएशन के कि काफ़ी लेट हो रहा है। बट मैं ठीक हूँ, मतलब कोई नहीं, अभी भी चलता है, अभी भी टाइम है, कुछ एज मैटर नहीं करता है किसी के लिए। बिल्कुल सही बात बोली रूपसी ने। देखिए डिपेंड करता है आप, वैसे तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर कंटिन्यूसली ही पढ़ाई कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि लगभग मान लीजिए 100 लोग जॉब ज्वाइन करते हैं तो लगभग 70-80% लोग बाद में पढ़ाई करना उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, और दूसरा मनी अर्न करने लगते हैं तो भी इसलिए टफ हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो पॉसिबल हो तो आप कंटिन्यूसली ही पढ़ाई कर लें, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है, आप एक आध साल दो साल जॉब करके भी करोगे। वैसे इसके एक्सपीरियंस का भी जब आगे प्लेसमेंट होगा तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो रूपसी आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली वो जो जॉब कर रहे हैं उनको, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं जिनको ड्रॉप लेना है, क्योंकि गर्ल्स के साथ तो बहुत फाइट होती है। जैसे आपका पहले तो दो साल ढाई साल का ये ब्रेक और अब तीन साल का ये, तो कई बार घर वालों का प्रेशर होता है कब वो होगा पीजी, कब जॉब करोगी, कब मैरिज, तो इस तरह की फाइटें बहुत होती है गर्ल्स के साथ, तो स्पेशली तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो मेरे साथ ये होता कि लकीली पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब ड्रॉप लेने के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। मतलब बस मम्मा पापा ने कहा था कि जो करना है वैसा करो, तो मैंने बस एक ही मतलब लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया, उसके बाद ही मतलब रिजल्ट के ही पहले मुझे लग गया था कि क्या होने वाला है रिजल्ट में, तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि नहीं ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा। तो मतलब पेरेंट्स तो मान गए थे, और ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब मेरे मैनेजर भी बहुत सपोर्टिव थे, मतलब उन्होंने भी मेरे को काफ़ी मतलब मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि नहीं ठीक है तुम्हें मतलब ये था कि मुझे एक रिग्रेट नहीं रखना था। मतलब मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं शायद साथ साथ जॉब के साथ एक और साल ट्राई कर सकती हूँ, बट मतलब मेरे को ये सिखाया गया कि मेरे को रिग्रेट नहीं रखनी थी कि मैं अगर उस साल भी जॉब के साथ ट्राई करती और मेरी रैंक अच्छी नहीं आती तो वो काफ़ी ही लेट हो जाता। मतलब मैं ड्रॉप लेने लायक की भी शायद काफ़ी लेट हो जाता है, 4 ईयर्स हो जाते मुझे। तो मतलब मेरी मैसेज यही रहे कि अगर जॉब कर रहे हो तो साथ साथ में मतलब एटलीस्ट थोड़ी पढ़ाई छोड़ो मत, मतलब धीरे धीरे करके, ऑब्वियसली सर की कोचिंग्स है तो सर के लेक्चर्स में से धीरे धीरे करके जो भी पढ़ाई चल रही है वो सब करते रहो। मतलब एटलीस्ट वो एक कनेक्शन नहीं छूटना चाहिए पढ़ाई का, अगर वो छूट जाएगी तो बाद में काफी प्रॉब्लम होगी। तो मतलब जो भी है मतलब या तो उसी समय डिसाइड कर लो, दो साल के साथ साथ भी कर सकते हो या फिर क्विट करके, इट्स अप टू यू। तो बस वही है कि इसमें बस कंसिस्टेंसी चाहिए और कुछ नहीं, मतलब तो जॉब के साथ भी शायद हो सकता है। बिल्कुल सही बात बोली रूपसी ने कि बस आप एक चीज याद रखिए, एक सिवा आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ते रहिए, जिससे कि जीरो पे ना जाओ। तो रूपसी आपको फिर से एक बार इस रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका ये एक्सपीरियंस आपको प्लेसमेंट में बहुत काम आने वाला है, और आप ऐसे ही अब NIT में भी जाके परफॉर्म करो, एंड आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को वंस अगेंस्ट कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।